ओ भाई, पूरी की पूरी तैयारी हो गई है। सारे सामान वामान पैक हो गए हैं। मम्मी ने किचन का भी सामान पैक कर दिया। नाश्ता बनाने के लिए बोला, नाश्ता भी नहीं बनाने के लिए आपके पास है। बकवास ना कर। बकवास ना कर, बताओ हद हो गई भाई। ये देखो गाइस, ये सारा का सारा पैक हो गया है। पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। मम्मी ने सब कुछ, ये देखो यहाँ पे भांडे वांडे सब पैक कर दिए भाई। भाई मौसम इतना बढ़िया हो रहा है यार, धूप है ही नहीं बिल्कुल भी। और आज का दिन ऐसे अगर मौसम में निकल जाए तो मजा आ जाएगा। भगवान प्लीज आज धूप मत निकालना, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। ऐसा ना हो कि मैं धूप में फिर धक्के खाता रहूं। जल्दी से होते हैं रेडी, क्योंकि वहां पे सारी लेबर हमारा वेट कर रही है नए वाले घर पे कि हम पहुंचेंगे, वहां काम स्टार्ट होगा और आज बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो जाएगा सब कुछ। अपन लोग घर से निकल चुके हैं और जाएंगे स्कूटी पे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा जल्दी जाना है गाड़ी पे, वहाँ टाइम लग जाएगा। और स्कूटी का हाल देखो एक बार क्या हो रखा है। इतनी गंदी मैंने स्कूटी आज तक नहीं देखी अपनी। हाँ जी, कितना ठीक हो? सारे होप सारे बढ़िया होंगे, क्योंकि बाबा जी की मेहर है, बाकी सारे ढेर है। भाई आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई मैं 3-4 दिन से कपड़े नहीं पहन रहा, मतलब तैयार नहीं हो रहा। कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ, ना टर्बन बांध पा रहा हूँ। बस उसका रीज़न ये है कि जो मेरी मम्मी है, जो मेरी महान मम्मी, मतलब सबकी मम्मियाँ महान होती, मेरी मम्मी ज़्यादा महान है, उन्होंने अभी 2-3 पड़े हैं शिफ्टिंग में, और अभी से सारे कपड़े भी पैक कर दिए हैं, टर्बन भी पैक कर दी, जूते भी पैक कर दिए हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? ये देखो, आज सुबह सुबह ही अंकल आए थे इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने लगा दिए है लाइट। अच्छी लग रही है भाई, एक सेम लाइट यहाँ पे भी लगेगी। मम्मी कह रही थी यहाँ लगाने के लिए, लेकिन मैंने कहा यहाँ लगाएंगे, आमने सामने अच्छा लगेगा और बीच में ट्यूबलाइट अच्छी लगेगी। ये देखो टाइल टूटी हुई है, यहाँ से 2-3 जगह की टाइल और टूटी हुई है। ये भैया आए हैं, भैया कह रहे हैं कि कल तक ये सारा काम भी क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा भैया पक्का? देख लो वीडियो बना ली तुम्हारी, बना। देखो ये भी टूटी हुई है, और इधर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे वाइट सीमेंट नहीं भर रखा, ये देखो काला काला दिख रहा है ना। अब भैया को डंडा दे दिया, भैया कह रहे हैं कल की डेट में ये सारा काम भी, जो फाइनल टच अप बोलते हैं इसको वैसे तो। 1 mm की तार ले आओ। कितनी मीटर की? 6 मीटर ले आओ। ये एग्जॉस्ट के लिए? हाँ, देखो मैं बताऊं। बताओ बताओ। एक पॉइंट में आपका यहाँ बनाएगा, ठीक है? इसमें लगेगी 2 मीटर तार लगेगी, ठीक है? नहीं ये क्या है? और ये फैंसी की तार है ये। अच्छा, इसमें एक तार डाल देंगे हाथ के हाथ ही, तो आपका एक पॉइंट तैयार हो जाएगा, ठीक है? आप 6 मीटर तार ले। 6 मीटर तार, ओके। भैया 1 mm 6 मीटर तार दे दो। नाश्ता नहीं किया घर पे, बना ही नहीं था तो यहीं से खा लेते हैं छोले कुलचे। दो खाली दो, अपने छोले कुलचे हो गए रेडी। ये लो अंकल, हाँ तार भी आ गए, समोसे भी आ गए तुम्हारे। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लाइटें लग चुकी हैं, और ये हो रही है पैक। झूमर भी पैक करा देंगे अब, ताकि इनमें मिट्टी विट्टी ना लगे। 2-3 दिन अभी लगनी है शिफ्टिंग में, तो गंदा ना हो जाए। अब बारी है शीशे लगने की, बाथरूम में शीशे लगने के लिए अनबॉक्सिंग हो रही है। देखो आराम से आराम से। बड़े वाला ये कालो का। अच्छा जी, क्या बात है। ये वाला बार लगेगा, ये वाले बार वाले में। देख के आराम से थोड़ा ऊपर और। हाँ यहाँ दो जी, ये भी हो गया फिट। ओहो अच्छा, 3 कलर है इसमें भी, 1, 2 और 3। क्या बात है भाई। वो मल के रूम का है जो अब खुलने जा रहा है, इसकी भी अनबॉक्सिंग देखते हैं ये कैसा है। ये भी सेम ही है, बस इसका शेप अलग है, वो ओवल है, ये सर्कल है गोल एकदम। अच्छा नहीं नहीं इसको थोड़ा सा नीचे करो, अभी थोड़ा पीछे करना, अब ठीक है, यहीं लगा दो इसको। नहीं लगा दो? हाँ। लो जी, कोमल की भी शीशे की फिटिंग पूरी हो गई है, और अब आए हैं भैया एसी वाले। एक आउटडोर यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इंडोर सारे कमरों के लग चुके हैं, आउटडोर लग जाएंगे, उसके बाद एसी हो जाएंगे चालू एकदम फर्स्ट क्लास।
स्पेशल मुझे घर आना पड़ा क्योंकि मेरे फोन में बैटरी हो गई थी बिल्कुल खत्म, 2% बैटरी रह गई थी। मैंने कहा फटाफट से घर जाके चार्जिंग पे लगा लेते नहीं तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। भाई ये ना हमारे पीछे वाले जाले में फंस गया था, मैंने पकड़ लिया है और अपने मम्मी को इससे डराएंगे चुपचाप। बेचारा परेशान हो रहा होगा, नहीं भाई नहीं खा रहे तेरे को, नहीं खा रहे नहीं खा रहे। चलो भाई 1 2 बक्तावा में नया घर आया हूँ, इलेक्ट्रिशियन अंकल का कॉल आया कि भाई यहाँ पे इन्वर्टर लगना है तो एक बंदा चाहिए जो हाथ लगवाए। चलो एक एसी तो चालू हो गया ये वाले कमरे का, क्या बात है। ओ वाह भाई वाह, क्या कूलिंग दे रहा है, वाह जन्नत। ये हॉल वाला बाद में स्टार्ट होगा, अभी फिलहाल इसकी बात चल रही है। ये वाला हो जाएगा ऑन, जैसे इसका आउटडोर लग जाएगा ये वाला रूम भी रेडी हो जाएगा, दोनों रूम रेडी हो जाएंगे एसी लग के। और तीसरा रूम जो कोमल का है वो रह जाएगा, मतलब एक तरह से वो भी फाइनल हो रखा है। बस अभी एक बार मैं शोरूम जाके देखूंगा कि भाई वो वाला एसी यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी नहीं आएगी, अब एक बार ये वहाँ जाके देखते हैं। पहले इन्वर्टर लगवा लेते हैं भाई, इन्वर्टर की बैटरीज मैंने ऊपर चढ़वा दी हैं, बहुत भारी थी यार, इतनी भारी बैटरी है कंधा दर्द हो गया, बट कोई बात नहीं। और एक आज खुशखबरी ये है कि भाई आज हमारे को इस घर की चाबियाँ मिल चुकी हैं, देखो क्या बात है भाई। ये मेन डोर की चाबी है, ऊपर की अभी गेट लगे नहीं है तो वहाँ का लॉक लगा नहीं है, बट लेकिन मेन डोर की चाबी मिल चुकी है। इसकी हमें कम से कम 5 कॉपी बनवानी पड़ेगी, मम्मी पापा मैं और कोमल और नानी के लिए भी, एक घर के लिए भी होनी चाहिए, मतलब टोटल 5 इसको मिला के। घर पे कुछ सामान देने आया था और नूर का कॉल आया कि भाई अगर आपको कोई काम है तो बताओ मैं आ जाता हूँ, तो मैंने कहा चल आ जा साथ में चाबियाँ बनवाने चलते हैं। चलो भाई हमारे नूर भैया भी आ गए। भाई बहुत गर्मी है यार, नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है, क्यों आए गुची अरमानी दे, क्या बात है भाई, चल ले बैग ले। भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना काला वाला लग रहा हूँ, बिल्कुल आजड़ी लेबर, बट लेकिन यार अब पता है घर का काम है तो करना तो पड़ेगा ही सारा कुछ। और आज मैं सुबह सोच रहा था कि धूप नहीं आएगी, लेकिन बहुत गलत धूप हो रखी है इस टाइम तो भाई, और गर्मी बराबर हो गई है एकदम, जितनी सुबह बढ़िया मौसम था उससे ज़्यादा वर्स्ट मौसम अब हो रहा है, गर्मी हो रही है बिल्कुल बराबर की। यहाँ पे आए हैं खालसा की मेकर पे, पाजी चाबी बांट जाएगी वाली है, देखना केड़ी चाबी बननी है, वे चेक करके बताएंगे चाबी बन सकती है कि नहीं। ये 4 चाबियां बन जाएंगी ना भाई, फिर मैं आ जाऊँ। ओके चलो भाई, भैया कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा बनाने में, जब तक ये बना रहे हैं तब तक हम और काम निपटा लें जरा। घर पे आया था मैं चेंज करने, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, ये कुणाल भी आ गया है अंदर बाइक लगा रहा है। तो छल्ले की बात कर रहा था, तेरी छल्ले मिल चुकी है, अरे ठोकेगा क्या, धीरे चला ले, 12 मसाले 13 स्वाद चटपटी मसालेदार छल्ली। मसाला कम तो कम से कम मसाला खाना लग गया, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? ये भी ले लो भाई, छल्ली इसने लगवाई है भाई ने, लेकिन इतनी गंदी हमने तो दे दी भाई किसी को, हमने कहा यार हम नहीं खा सकते ये, इसने बोला था यूटर्न लेके भाई प्लीज खिला दो पर, लेकिन बहुत गंदी चली थी और पैसे ले लिए हमसे 180 रुपये 60 रुपये प्लेट। हाँ जी भाजी बढ़ गई, ले आओ दो। चार टोटल 5 होगी ना, ओरिजिनल केड़ी है, अच्छा ये बाकी कॉपी है, ठीक है। भाई देखो यार क्या तेजी से काम हो रहा है यार, गेट लग चुके हैं सारे A to Z, AC सुबह लग गए थे, ये AC के आउटडोर भी लग चुके हैं, वाह 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 वाह। भाई अब खाली ये रह गया है मम्मी का जो भी किचन में सामान समून लगना है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। रसोई का काम कल तक हो जाएगा? 2 दिन लगेंगे, 3 दिन, ये वो तो दिख ही रहा है काम तो ज़्यादा ही है। चलो भैया फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम कर लेना। चलो भाई तुम दोनों फर्स्ट बंदे हो जिनको मैंने अपना लाइव घर दिखाया, बताओ भाई कैसा लगा?
सच बताइयो। अच्छा भाई बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब दिल इतना खुश है ना आज घर दिखा के और घर देख के खुद का पूरा बनने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। लव यू, थैंक यू सो मच। और अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? मूवी देखने चलते हैं। मैंने सुना सलमान खान को सारे गालियां बक रहे हैं उसमें, हम भी दो दिन गालियां देते हैं, हम भी देख के आएंगे भाई, किसी का भाई किसी की जान, बाकी देखते हैं गालियां दे ना दे, कई बार बंदे को चीज पसंद भी आती है, वैसे तो उम्मीद यही है कि देंगे नहीं भी होगी तो भी देंगे अपन लोग गए हैं मूवी देखने, वहां पे भाई एक बंदा नहीं, और वो बंदा कह रहा भाई मत देखो जो काउंटर पे बैठा था वो भी कह रहा मत देखो बहुत बेकार पिक्चर है, कोई नहीं देख रहा इसको, लगता है सलमान खान का करियर फेल हो गया। तो हमने कर दिया मूवी का सीन कैंसिल और अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। कुंवर, मिन्नी और जशन आज आ रहे हैं घर गोवा से वापस। देखो उनकी कैब आ गई है, बस ऊपर चढ़ रहे हैं वो, और साथ में लाली मामा भी है हमारे। आओ भैया, आओ भैया, आओ भैया, आओ। सत श्री अकाल। मजा आया फिर गोवा में? भाई काले हो गए तुम तो, तू गोरा है लेकिन ये थोड़ा काला हुआ है बस, लाली मामा लग रहे हैं पूरे काले। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी, सब्सक्राइब जरूरी है भाई, एंड का सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे कर दो, जो जो वीडियो देख रहा है आपको कसम है आपकी मम्मी की, मम्मी की कसम दे दी, अब सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। लव यू।